दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे कि आप हमारे इसी पोल्ट्री फार्म में आप देख रहे हैं, ये लेयर फार्म है और यहाँ पर मेरे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जितना पर सेकंड में कूलिंग पैड पर पानी जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा था। और मैं जब फॉल्ट ढूँढा तो मुझे पता चला कि फॉल्ट कहाँ पर है। चलिए आपको हम वेंटिलेशन से रिलेटेड कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके भी इसी पोल्ट्री फार्म में अगर नॉन रिटर्निंग वाल नहीं लगा है तो लगा लीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों कुछ लोग इसी पोल्ट्री फार्म में नॉन रिटर्निंग वाल नहीं लगाते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या आता है मैं बता दूँ। जैसे देखिए अभी ये कूलिंग का मेरा है जो आउटलेट गया है कूलिंग पैड की तरफ, ये 65 mm का UPVC है। तो ये जो है नॉन रिटर्निंग वाल नहीं लगा था तो टोटल पानी इधर से यानी इस कूलिंग पैड की तरफ से और इस कूलिंग पैड की तरफ से, देखिए जैसे कि लंबाई इसका ज़्यादा है, मैं 60 फीट आपको बता चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक 60 फीट लंबा है कूलिंग पैड का एरिया और यहाँ से लेकर के वहाँ तक 48 फीट है एरिया। तो ये नॉन रिटर्निंग वाल लगाने से ये फ़ायदा है कि पानी तो मोटर फेंकेगा फिर आ करके यहीं ब्लॉक हो जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। नॉन रिटर्निंग वाल नहीं रहेगा तो टोटल वहाँ से जितना शेड का पानी है उस 60 फीट का उधर और 48 फीट का इधर का पाइप में जितना पानी रहेगा, फिर इधर 60 फीट का पानी जितना रहेगा फिर रिटर्न आ करके ऐसे हो करके फिर इसी में गिर जाएगा। तो इससे ये होगा कि मेरा पानी जो है लॉस हो जाता है, जो मेरा कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, उतने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मेरा पानी नहीं जाता है। मोटर तो पानी फेंकता है लेकिन जो है ये टोटल पानी पाइप में भी तो ब्लॉक रहता है, यहाँ से वहाँ तक मान लीजिए 48 फीट इधर से है फिर पाइप जो है 60 फीट उधर गया है, तो ऐसे टोटल पानी जो है पाइप में रहता है तो टोटल रिटर्न आकर के फिर इसी में गिर जाता है। तो इससे ये होता है मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है। नॉन रिटर्निंग वाल लगाने से ये फ़ायदा है कि जितना मोटर पानी फेंकता है वहीं पर लॉक कर देता है और पूरे पाइप में इधर से 60 फीट पाइप में भी पानी रहेगा और 48 फीट पाइप में भी पानी वहीं के वहीं ब्लॉक रहेगा। तो इससे ये होगा फ़ायदा, जब मोटर मेरा चलेगा तो वहीं से पानी उठा के टप से फेंक देगा और इधर की तरफ से उठा के टप से कूलिंग पैड में फेंक देगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भरने में जो मेरा पानी और टाइम जो प्रोग्रामिंग में कर रखा हूँ वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो है मेरा 5 सेकेंड 7 सेकेंड जो लॉस होता है वो लॉस नहीं होता है। तो आपको मैं ये बता दूँ कि इसी पोल्ट्री फार्म में नॉन रिटर्निंग वाल लगाने से यही फ़ायदा है। इसका मैकेनिज्म मैं बता दूँ कि जैसे क्योंकि इधर रहेगा बॉल अभी बंद है, देखो ऊपर रहेगा हमेशा ये, क्योंकि ऊपर रहेगा तो ऐसे जब प्रेशर मारेगा तो बॉल उधर जाकर टिक जाएगा और जब प्रेशर मोटर बंद होगा तो बॉल ऑटोमेटिक आके गिर जाएगा, ठीक है, ये नॉन रिटर्निंग वाल। चलो एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ, ठीक ना। चलो और दोस्तों निरमा वॉशिंग पाउडर से दिमाग धुल के आइएगा क्योंकि अब हम प्रैक्टिकली आपको वेंटिलेशन कैलकुलेशन करके बताने वाले हैं। मेरे जैसे इसी साइड में देख रहे हैं कितना चिक्स है पर बर्ड के अकॉर्डिंग, कितना CFM की आवश्यकता है और कितना टनल फैन चालू करेंगे कि टोटल CFM जो है मेरा इसके अंदर का जो भी अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस गैसें हैं उनको निकाल लें, हम आपको प्रैक्टिकली इसी सेट के अंदर बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहेंगे। और पर वर्ड के अकॉर्डिंग कितना CFM चाहिए ये टोटल कैलकुलेशन हम बताएंगे। और आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है वेंटिलेशन से रिलेटेड, इसी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, तो बिल्कुल कमेंट करें और वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, कुछ नहीं तो क्या हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।